वो तो रोना हो गया अंकल जाने दो। पहले यहाँ पे लगाओ। नहीं हाथ तो जोड़ेंगे, आपका हेलमेट भी अलाउ नहीं है, ये डिफेक्टिव हेलमेट है। मैं फेंक के मार दूंगी अभी, मेरे को मार दो, मारो मारो मारो। मम्मी को फोन कर रही, मैं वैसे करो करो जाने कोई बात नहीं, आपने गलती की, उसका चलान कर रहे हैं। लेकर मत जाना, लेकर मत जाना, सुन लो, लेकर मत जाना, ड्रामा मत करो। मेरी पूरी बॉडी कब का, पहले सुन लो, एक मिनट रुक जाओ, इसको बंद कर दो। ऐसे तो जाएगा, जो आप चाहोगे वही होगा। कपा रहे हो, आप गलती कर रहे हो, तब कब कपा रहा, जब आप ये एक मिनट में मैं हेलमेट पटा कर मारी, पता नहीं, पहले पीछे लो, हेलो पहले इधर देखो, पहले पीछे लो, पीछे लो, पैर पे चढ़ा रखे, ऐसे ना मत ले, ऐसे मत ले लो चाबी, ऐसे थोड़ा ड्रामा मत करो। चाबी देंगे, आप भाग क्यों रहे हो, मोबाइल पे बात करते हुए आ रही, नंबर प्लेट टूटा हुआ, और कल रिपोर्ट दर्ज की है मैंने, चिल्ला क्यों रहे हो आप, मेरी बॉडी कब कब आ रही है, बंद कर दो गाड़ी को, हाँ बंद कर रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हो आप, कहा गए दो, हाँ कोई बात नहीं, लड़की गलती करेगी, लड़की को पहले तो मोबाइल पे बात कर रहे हैं, दूसरा चीज ये नंबर प्लेट टूटा हुआ, ये कोई बात नहीं, चलो आपने हेलमेट भी तो पहन रखा, उसके ये स्ट्रैप होता है, ये लगा है, ये आपकी गलती है ना मैडम, ये आपकी गलती है ना, तो फिर कैसे आप चिल्ला रहे हो, आप देखो नहीं, आप भाग रहे हो हमारे ऊपर चढ़ाओ, देखो हाँ तो कागज निकालो, इसको स्टार्ट मत करो, इसको स्टार्ट मत करो, इसको मत स्टार्ट करो, हाँ आपको कह रहे हैं इसको स्टार्ट मत करो, अपना चाबी निकालो, वो ये मैं कह रहा आपने लिए, मैं लेडीज पुलिस को डालूंगा, आप मेरी बात सुनिए, पहले इधर नहीं आऊंगा मैं, पहले आप कागज निकाल के दिखाइए, मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं है तो गाड़ी तो बंद होगी, गाड़ी मम्मी को बुला रही हूँ, ना बुलाओ पहले गाड़ी, वहाँ आप रहने दो, इसका स्टार्ट मत करो, पहले कहता हूँ स्टार्ट मत करो इसको, लेट हो रहा है, आपकी गलती है ना, मैंने कुछ रूल को नहीं तोड़ा, आपने मोबाइल यूज किया मैंने, हाथ में तो नहीं लिया जी, हाँ मैं ऐसे होता है, वो मोबाइल यूज तो यूज है, नहीं पता लीड का यूज होता है, और दूसरा ये नंबर प्लेट टूटा हुआ, तीसरा आपके, बोलो आप, तीसरा खर्चा होगा इसका, मेरे पास पैसे नहीं है, ये है ना, ये देख रहा कल बच्चों ने काटा है, वो मुझे नहीं पता, गलत है ये, मुझे नहीं पता, रिपोर्ट दिखाऊंगी, मेरे पे तो पर्चा नहीं है, नहीं वो कोर्ट में दिखाना मैडम जी, आप मोबाइल में यूज करें, मोबाइल में बात करें, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, अपने में भी बनाओ मोबाइल, बात कर लो, चल लो, मैंने बात नहीं कर सकते, कर ले रहे, लो लो लो, मैं स्कूटी छोड़ के भाग रही हूँ, मम्मी को गुस्सा आ रहा बहुत, मैं जमा कर दूंगा तीसरा सर, कौन हंस रहा है, हंसना किसका काम है, आप हंस रहे हो, आप देख रहे हो हम हंस रहे हैं, स्टार्ट मत करो इसको स्टार्ट मत करो, स्टार्ट मत करो, नहीं बेटा काम कर रहा, मुंह पूछ लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गई थी यू, मेरे को कह रहे कि हम क्या करें, ऐसे से बोल रही है, कोई बात नहीं, मोबाइल यूज कर रहे थे, गलती आप कर रहे हो, फिर भी आप नहीं, मैंने गलती है ना, बात कर रही है, बिल को मत मुंह पूछो, पहले मुंह पूछो, मैंने छोड़ दिया, बिल बात सुनो, सुन ले, मेरे हाथ ऐसे कब कब आ रहे, इनको वो बिल्कुल,
क्या गलती करो बस बाप भाई सब तो ऐसे ही करेगा डॉक्यूमेंट पर रखना चाहिए ना बेटा, डॉक्यूमेंट नहीं रखते देखो औरों के चलान हो रहे हैं। मोबाइल यूज भी कर रखे और ये भी नंबर प्लेट काट दी, आपको रिपोर्ट दिखा दूं मैं। क्या कल भी मैंने शाम के टाइम 10 बजे घर पहुंच गई, दिखा दो देखो रिपोर्ट दिखा दो। अगर करा दी तो तुम क्या दोगे बताओ मुझे, पैसे दोगे ठीक करवाने के? क्या पैसे दोगे? पैसा हम देने लगे तो हमारा हम बच्चे हमारे रोड पे आ जाएंगे, हम किस किस को पैसा देंगे? ये तो आपका नहीं, पैसे नहीं तो आप मत चलाओ फिर इसको, ये इसका इसका तो बहुत महंगा चलान है, 10,000 का चलान है इसका। पुलिस कोई ढूंढेगी वो जब आपने भरूंगी नहीं, आपको पड़ता चिपका दूंगी छुट्टी बेटा, यदि ये कहते हो तो हम फाइन कर देते हैं कोर्ट का, आप कोर्ट में बताते रहना। मैं डॉक्यूमेंट ध्यान लगवाऊंगी, जब तक मेरे पैसे नहीं होगा मैं ठीक नहीं करूंगी। फिर आप ये ड्रामा क्यों करने लगे, हेलमेट पे पटक दिए, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं। जब तक स्टेप नहीं हो तब तक वो हेलमेट अलाउ नहीं है, स्टेप होना चाहिए। और ये नंबर प्लेट टूटा हुआ, और एक मिनट में हेलमेट उठा के हम बोले कि हेलमेट मार दूंगी, मैं मार दे वो उठा के नीचे पटक दी फटाक से। आपको कह रही थी मार दो, हाँ तो बंद कर दो ना, क्या बंद कर दो, सुनो मने साहब स्कूटी बंद कर देते हैं, कागज नहीं देते हैं तो यही फांसी लगा लो तो क्या कर लोगे आप? लगा लो आपकी मर्जी, हम किसी को रोक थोड़े सकते, यही फांसी लगा लो। अरे चलान के ले लो फांसी लगा लेगा और क्या, तो जो लगा ले तुम लोगों ने क्या बुला लो ना लोकल पुलिस बुला लो, कर दे भाई लेडीज पुलिस बुला कर दे, है लेकिन पंगा है बीमारी है, बीमारी कुछ ना लेडीज पुलिस, ये अपने आप जाएगी। या तुमने छोड़ दी ना, मैं वह कह रहा हूँ या कभी ऐसी परेशान करेगी, हर पुलिस को करेगी, हर पुलिस को परेशान करेगी। सुनो मनोज साहब वो देख के आपको क्या होगा? कुछ नहीं। तो फिर उसको क्यों देख रहे हो? आप इसको बोल रहे हो ना अंकल? ये सुनो एक मिनट मैडम, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट अगर मुझे आप जाने नहीं दोगे है ना, नहीं जाने दोगे, ये आपको एक इंसानियत है आपके अंदर, मैं कहीं दूर नहीं रहती, 15 मिनट पैदल, ये जिस पुलिस को मिलेगी ना उसी के पास ऐसे ही चौड़ा कर देगी, वो ऐसे ड्रामा कर देगी। हाँ इसको पता, आप वाले दिन है इसको पता, ऐसे काम करो कोई पुलिस कुछ नहीं कहे। इसको भगा देने मत खाता है क्योंकि कोई अफसर कहेगा कि एक लेडीज को छोड़ ही देता था, क्या होता है कि नहीं है? हेलो नंबर प्लेट लगाओ, मोबाइल का यूज मत करो, चलते हुए मोबाइल यूज मत करो, नंबर प्लेट लगा के चलो, और ये हेलमेट में ये लगा के चलो, ये धमकी मत दिया करो कि मैं हेलमेट मार दूंगी। मैं अंकल मैं अपने आप को खत्म भी कर लूंगी क्योंकि मैंने ना हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता।
बोल रहे हाँ बनाओ, एक नहीं दो दो बन रहा। और सुन लो, आप कुछ भी करो, हम आपको चलान करना हमारा काम है, हम आपको गलती पर रोक सकते हैं। वो पुलिस लो, हाँ रूम मोबाइल यूज करना, रूल तोड़ना है। बात तो नहीं करी ना, हाँ बात कर रहे थे आप, बात नहीं करी। एक हाँ हाथ में लगाने का नहीं होता मोबाइल पे, जो मोबाइल में जो आप लगा रखे ना ईयरफोन, वो मोबाइल यूजिंग है। मोबाइल पे यू देख भी नहीं सकते, खाली यू भी नहीं देख सकते चलाते हुए। आपको बताऊँ, आप सुनने डायल करके बात। और ये क्या कह रहे हो कि आप ये क्या धमकी दे रहे हो? सुनो, आप अगर यहाँ पे हम और पुलिस बुला लेंगे, कुछ नहीं कर सकता। मुँह तो बताता, मुँह तो बताता कि ये बात कर रहा। तो यदि हमें दिखाई देगा पकड़ेंगे। ये कोई बात नहीं हुई, कह रहा हूँ यूं ही नहीं देख सकते आप। अभी मोबाइल में फोन आ रहा है तो वो भी नहीं देख सकते। सुनने की तो बात छोड़ो, क्या काम करती है? क्या काम करते हो? रिसेप्शन पे बैठती हूँ मैं, गाड़ी की चीजें बनती है सारे यहाँ पे। कहाँ पे? जितनी भी गाड़ी है ना, ये तो चाबीगंज है ना, चाबीगंज है। कोई नहीं पता चल रहा था ये मोरी गेट। हेलो, ये लगी, ये सुनो। हेलो मैडम, एक बात ये भी सुन लो, क्या नाम आपका? लीना। लीना, हम डर नहीं गए आपसे, ये बात मत समझना कि हम डर गए आपसे। हाँ तो हम भी नहीं डरते, तो हम भी नहीं डरते, हम भी नहीं डरते किसी से। हम डरते नहीं किसी से, हमारा काम चले जाओ चले जाओ, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पता है, इसके लिए कोई रोकेगा? कोई अगर जान देना चाहेगा तो उसको कोई रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता। तो मरने से तो जो जिसके मौत आएगी वो तो मरेगा, उसको कौन रोक सकता? नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू होने के बाद लोग अब सड़क के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनको ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जब पुलिस पकड़ रही है तो लोग उन पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया शनिवार की सुबह दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में देखने को मिला, जब एक लड़की स्कूटी पर जा रही थी। लड़की की स्कूटी की जो नंबर प्लेट है वो टूटी हुई थी, लड़की फोन पर बात कर रही थी और इसके साथ ही हेलमेट का उसने बैंड नहीं लगा हुआ था। जब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उसको रोका लड़की को, तो लड़की पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करने लगी। लड़की रोने लगी और बताया कि वो बीमार भी है, वो फोन पर बात जरूर कर रही थी, छोड़ने की बात कहने लगी, लेकिन जब पुलिस वालों ने कहा कि आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा, आपका चालान होगा, तो इस बात पर लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और इतना ही नहीं, उसने अपना हेलमेट सड़क पर फेंक दिया, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करी, और तो और उसने पुलिस वालों से कहा कि अगर वो लड़की का चालान करेंगे तो लड़की सुसाइड कर लेगी, वो मरने से नहीं डरती। काफी बहस के बाद आखिरकार पुलिस वालों ने लड़की को बिना चालान किए जाने दिया। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रैफिक नियम के बाद लोगों का गुस्सा है वो तमाम तरीके से निकलता हुआ दिख रहा है। ट्रैफिक पुलिस एक तरफ नियम फॉलो कराने के लिए लोगों को रोक रही है, चालान जब करती है तो लोग ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से उलझ जाते हैं, इतना ही नहीं उनके साथ मारपीट तक के मामले सामने आए। तमाम जो दिल्ली के इलाके हैं वहां पर अब देखा जा रहा है कि लोग पुलिस वालों के साथ लगातार बदतमीजी करते हुए नजर आ रहे हैं।